कौन है? अरे जो भी है रुक जा, आ रहा हूँ नीचे। या तो नीचे जाके बोल दे आ रहा हूँ जल्दी, तैयार रखे सब कुछ। कौन है? वहां पर भी नहीं है, कहां चला गया मुझसे बिना मिले? इसे हो क्या क्या है? मुझसे मिलने तक नहीं आया एक बार। अभी नहीं मानेगी ना? अभी यही बोलेगी कि मैं बकवास कर रही हूं, है ना? अब तो ऐसे मत देख जैसे कि मेरी बात तेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही। मैंने साफ साफ देखा है, रफी को देखते ही तेरी आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि उसका इंतजार जो कर रही थी तू, उसे आसपास देखकर तुझे तसल्ली मिली ना। और फिर जैसे ही वो चला गया, ये सोचने लगी कि वो तुझे मिले बिना कैसे गया। तू यही समझ नहीं आता कि तू चाहती क्या है? साक्षी प्लीज, फिर से शुरू मत हो जा। मैं जानती हूँ तूने मुझे मना किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, लेकिन मैं कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। ये मैं आखिरी बार तुझसे बोल रही हूँ, इसके बाद हमें टाइम ही नहीं मिलेगा कि हम कुछ बोले या सुने। इस बार जो तू कदम उठाएगी वही डिसाइड करेगा कि तू अपनी आगे की जिंदगी में हैप्पी रहेगी या नहीं। ये तुझे डिसाइड करना है कि एक ऐसा आदमी जो तुझे अपने पैरों की जूती समझेगा, जो तुझे हर पल नीचा दिखाएगा, जो एक लड़की की इज्जत करना नहीं जानता, जो तेरी उम्मीदों को एक एक करके तोड़ देगा। तू क्या सच में एक ऐसे आदमी के साथ रहना चाहती है? एक ऐसे आदमी से शादी करना चाहती है? और दूसरी तरफ रवि है, साकेत का बिल्कुल ऑपोजिट है। तुझे बहुत प्यार करेगा, हर मुश्किल में तेरा साथ देगा, तेरी इज्जत करेगा, तुझे आगे बढ़ने का मौका देगा, क्योंकि उससे ज्यादा प्यार तुझसे कोई नहीं कर सकता देवता दी। इन दो चार पलों में ही तुझे डिसाइड करना है कि तुझे अपनी आंखें बंद करके अपनी जिंदगी नर्क में झोंक देनी है, या फिर हिम्मत दिखा के अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। डिसीजन तुझे लेना है, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। पता नहीं सकेत जी इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, वो अब्बल तो जाना ही नहीं चाहिए था। चलो चले भी गए तो थोड़ा जल्दी कर लेना जो भी काम कर रहे हैं। पता नहीं बाकी की रस्में कब होंगी, जयमाली नहीं हुई है अब तक। खाम। क्या हो गया बिजी, अपनी परेशान क्यों हो रही हो? वो आ जाएंगे तो उसे ठंड रखो। वो स्वा ठंड रखू रेखा रानी, वो जयमाल नहीं हुई है अब तक, तो शादी की बथेरी रस्में बाकी है, कैसे होंगी टाइम पे? जाना ही था तो टाइम पे लेके आ जाते ना बरात। थोड़ी देर में लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जानी है कि क्या हो रहा है, और मुझे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, बता मेरे को। एक काम कर, तू जाके देख है कि क्या हो क्या रहा है, और बोल के जरा जल्दी करना। जा बेजी, मैं जाऊं साकी जी को बुलाने? तू ही जा, यही बोला है मैंने। ऐसे देख रही है जैसे क्या मैंने कोई खास हो तुझे बम फोड़ने को बोल दिया। जा जल्दी जा, दिमाग ना खराब कर मेरा। ठीक है बेटी, मैं जाके उन्हें देख कर आती हूँ। रेखा तू यहाँ क्या कर रही है? जी वो मैं साकेत जी को बुलाने जा रही हूँ। वो उधर बाऊजी और पंडित जी को कुछ सामान सामग्री वगैरह चाहिए, वो देख लेते आके। ना तू बट्टा चौधरी है, मैं इसे कहीं भेज रही हूँ, तू कहीं और का काम बता रहा है। ओ बीजी आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपसे जल्दी ना साकेत जी को शादी की, अभी थोड़ी देर पहले अजय को भेजा, 5 मिनट में आ जाएंगे वो। बीजी भगवान के वास्ते कोई नया बखेड़ा मत खड़ा करना, आप नाराज हो जाएंगे और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तो बिजी है, फोन पर आ जाएंगे थोड़ी देर में। तू वैसा चल चल, जरा देखें वो हवन सामग्री की थाली है जो क्या है। देखें मियाँ, वो भी इतनी जल्दी? क्या बात है, मैंने तो सोचा था कि चैलेंज हारने के बाद तुम कहीं सिर पीट पीट कर रो रहे होगे।
फिर अनन्या की बॉडी को बहुत अच्छी थी बेचारी, कहां तुम्हारे चक्कर में फंसे? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। खैर, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अनन्या की बॉडी को लेकर तुम अस्पताल जाओगे, उसके बाद यहां आओगे। तब तक मेरी शादी हो चुकी होगी। यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो तुम? शांति, खैर आई गया तो शादी एंजॉय करके जाना था। साकेत और देविका की शादी में आपका स्वागत है, खास मेहमान हो ना तुम मेरे। फिलहाल तो ये शादी हो रही है और इसका श्रेय किसको जाता पता? तुम्हें। कितने बेवकूफ निकले तुम, मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। जल्दी में हूं थोड़ा, वो क्या है कि नीचे मेरी दुल्हनिया मेरा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें तो पता है मैं कितना शरीफ आ रही हूं। बस ये हो गया, शादी वादी हो गई, उसके बाद मिलता हूं। बधाई देते ना उसका। अभी है वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो? यार डर लगता है, जैसे मत देखो। वो क्या है कि जब से मैंने देविका को दिल दिया ना, थोड़ा कमजोर हो गया। वैसे बहुत भाग दौड़ किया ना तुमने। ये ले, पानी पी ले और ठंडा हो जा। वैसे बहुत काम बाकी है, फेरे होने हैं, और फेरों के बाद तो बोल तुम ही बरसाओगे। करे बोल रहा ना मैं ना? अरे इतना गुस्सा क्यों, क्यों इतना गुस्सा यार? मुझे डर लग रहा है। मानता हूं कि चैलेंज हार गए और हाथ में वह सबूत भी निकल गया, लेकिन अब ये तेवर क्यों? आंटी मैं सोच रही थी मैं घर चली जाऊं, रवि यहाँ है नहीं, उसके अलावा इस पार्टी में मैं सिर्फ देविका को जानती हूँ जो कि आज ऑब्वियसली बिजी है, सो मैं बोर हो रही हूँ, आई थिंक आई शुड गो। नहीं नहीं पुत्र, मेरी तो अभी भी बात है रवि से, वो बोल रहा है कि वो 10 मिनट में आ रहा है। मुझे जब मैंने उसे बताया ना कि आप उसके बारे में पूछ रहे थे, वो तो उछल ही पड़ा। उसने मुझे बोला है आपको जाने ना दूं मैं। हाँ वो कहीं मेरे चश्मे का नंबर तो नहीं बदल गया? वो मैं ये क्या देख रही हूँ, ये मंजू ये अमीर जाती लड़की आराम से एक दूसरे के साथ हंस हंस के गप्पे लड़ा रहे हैं। अब अगर वो आ ही रहा है तो मैं थोड़ी देर और वेट कर लेती हूँ। हाँ जी बिल्कुल चंगा है जी। भाई जरूर इसके मन में भी रवि पुत्र के लिए कुछ है, पर ना इंतजार थोड़ी करती। हाँ भाई बफतखोर, फिर से इसने नजर लगा देनी है तो मेरा बद्दा काम बिगाड़ देना है। ये ज्यादा ना मछली बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बस ये बता दे तो लड़की और तुम क्या बातें कर रहे थे, है कुछ लाव ला तो नहीं हो गया तुम दोनों में? लगी था दिल में चाग और लगनी भी चाहिए। वो सुना है ना तूने, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वो वही होता है जो रब नु मंजूर होता है। और बड़ा नेले पे दहला मारा था ना तूने संगीत में, पर मेरे हुकुम के रवि पुत्र ने तेरी पूरी चाल बदल दी। और वैसे भी ना ऐ जो लड़की है ना बड़ी दिमाग वाली है, उसको मालूम है कि कौन कितने पानी में है, तो तू कुछ भी कर ले, धूल तो तुझे ही चाटनी है। तो अब एक काम कर, एक खंभा ढूंढ ले अच्छा सा और खिसियानी बिल्ली बन के उसे नोच ले। जा मैं? मंजू एक बार ना देविका की शादी हो जाने दे, फिर देख वो खंबा ही उखाड़ के ना तेरे सिर पे कैसे मार देना मैंने, नहीं तो मेरा नाम ना सुवित्री देओल नहीं। दे
देख लिया अनन्या, मैंने तुम्हें जान से मारा और इसने मुझे थप्पड़ मारा, साकेत कपूर को थप्पड़ मारा। अब अपना हिसाब बराबर हो गया। अब तुम जहां कहीं भी हो शांति से रहना। गुस्सा निकल गया कि और निकलना बाकी है? नहीं बोलो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं कि एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा भी दे दूंगा। साकेत कपूर हूं मैं, समझा? मैं समझ सकता हूं कि तेरा दिमाग खराब हो गया हो, चैलेंज हार गए, उसके ऊपर से हाथ में आया, सबूत निकल गया, क्या करूं, पागल ही हो गए ना। छोड़, गुस्सा थूक दे, मिट्टी पा दे तू। इंसान नहीं शैतान है, इतना गंदा खेल खेलने के बावजूद भी तुझे अफसोस नहीं, तेरे माथे पे इतनी सी भी शिकन नहीं। एक लड़की जिसने अपने आप को तुझे सौंप दिया, तूने उसे जो भी वादे किए उन वादों को अपना मानकर उस पर विश्वास किया, तेरा साथ दिया, तूने जो कहा उसने वो किया, तूने क्या किया, तूने उस लड़की को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और उसके साथ साथ उसके पेट में जो नन्ही सी जान पल रही थी तूने उसको भी मार दिया, ये जानते हुए कि वो तेरा अपना खून है, तेरा अपना बच्चा है। एक गलती छुपाने के लिए तो गुनाह पे गुनाह किया जा रहा है और तुझे शर्म भी नहीं इस बात की। हो गया जरा वाशी, ये और भी कोई बच्चा है? अबे मैं अपने सीएम की नहीं सुनता तो तेरी क्यों सुनो, मन कर रहे बकवास। और हाँ, अनन्या की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, तू है। मैंने तो सिर्फ किडनैप करके उसे अपने पास रखा था, सोचा था कि शादी के बाद उसे छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें हीरो बनने का शौक था, जाके उकसाया उसे कि भागो यहां से, साकेत गलत कर रहा है तुम्हारे साथ, और क्या किया, भाग गया उसे। अगर तुम वहां से लेके नहीं भागते ना तो अनन्या आज जिंदा होती, वो तुम्हारे चक्कर में मरी है। तो तुम मुझे भाषण दे रहे हो और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे और देविका के बीच में जो भी आएगा उसे मैं बख्शूंगा नहीं। तुमने मेरी बात मानी नहीं ना, करनी थी ना हीरोपंती तुम्हें, अब करो, मुझे मत दोष दो उसे। अनन्या तुम्हारी वजह से मरी है, तुम्हारी वजह से, तुम जिम्मेदार हो मैं नहीं। जिंदगी की तुमने हद पार कर दी, लेकिन तुझे फिर भी लगता है कि तू बेकसूर है। तुझे क्या लगता है कि किसी की जिंदगी खत्म करने के बाद तू अपनी नई जिंदगी शुरू कर लेगा? भूल जा साकेत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं सबके सामने तेरा असली चेहरा लेकर आऊंगा, तेरा पर्दाफाश करूंगा मैं, देविका की लाइफ से तो बाहर निकालूंगा ही, साथ साथ में तेरा पॉलिटिकल करियर भी खराब कर दूंगा, तेरा फ्यूचर बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं पुलिस को बताऊंगा कि तेरा असली चेहरा क्या है, तेरा सच क्या है। दो जानों को तूने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया, सजा मिलेगी तुझे और मैं दिलाऊंगा सजा। मैं अभी तक 10 मिनट ही पूरे नहीं हुए। ओ बीजी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने साकेत जी को भेज दिया हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतनी देर क्यों लग रही है। मैं दोबारा संजय को भेजता हूँ देखने के लिए। रहने दे, मैं खुद ही जाके देखती हूँ। दादी अगर वहां तक पहुंच गई तो और बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक काम करता हूँ, भाई को जाके बोल देता हूँ कि ये लोग साकेत को बुलाने के लिए ऊपर आ रहे हैं। हाँ ये सही रहेगा। हाँ मैं अभी देखता हूँ उसको। तू क्या कह रहा है मुंटी? नहीं मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं बाद में आता हूं। अरे तू एक काम कर, वो केटरिंग वालों के ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसको जाके संभाल ले एक बार। नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं अभी नहीं। अरे नहीं ये ज्यादा अर्जेंट है यार, केटरिंग वालों को जाके पूछ क्या चाहिए उन्हें। लेकिन भाई मुझे जाना था वहाँ। अरे नहीं लेकिन लेकिन पूछो, तुम मेरे साथ चल चल एक बार, वहाँ पे बहुत जरूरी काम है यार, वो केटरिंग वाले परेशान हो रहे हैं। हे अंबे मां, प्लीज कुछ ऐसा करो कि साकेत नीचे ही ना आए और ये शादी कैंसिल हो जाए। प्लीज देवी मां प्लीज। आखिर बात क्या है, साकेत जी इतनी देर से आए क्यों नहीं? कमाल करते हो तुम, मैं यहाँ शादी के जंजीर में बंधने जा रहा हूँ और तुम हो कि जेल हथकड़ी ये सब बात करो। सही वक्त पर गलत बात करने की आदत है तुम्हारी, उसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, हाथ में प्रूफ नहीं है लेकिन फिर भी मेरा भांडा फोड़ने चले, क्या ही करते हो तुम। पिछली बार भूल गए क्या किया था मैंने? 2 सेकंड नहीं लगे थे सही को गलत साबित करने के लिए,
दोबारा वही गलती करना चाहते हो? क्यों अपना और मेरा टाइम वेस्ट करो? अच्छे काम में लगाओ ना कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरे पास पुख्ता सबूत है। मैं वहां पर पुलिस को लेकर गया था। अब डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब सच सामने आएगा कि उसके पेट में जो बच्चा है वो तेरा है। तेरे आदमी को तो मैं पहचान ही चुका हूं। अब तेरे आदमी तेरा नाम लेंगे और सजा मिलेगी तुझे। कितना कच्चा खिलाड़ी है तू। अगर मेरे आदमियों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो? और अगर पुलिस ने अपने रिपोर्ट में यह लिख दिया कि अनन्या प्रेग्नेंट थी नहीं, क्या करोगे? चलो मान लिया, अगर पुलिस ने अपने रिपोर्ट में यह लिख दिया कि अनन्या प्रेग्नेंट थी प्रेग्नेंट, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे कि वो बच्चा मेरा था? अरे सबसे जरूरी बात तो बताना भूल ही गया मैं। तुम्हें वो वैन याद है जिसने अनन्या को उड़ाया था? उससे क्या फर्क पड़ता है वैन किसकी थी किसकी नहीं थी? सच तो ये है कि तेरे आदमी और तेरे कहने पर अनन्या को मारा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है। फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तुम्हें इस गाड़ी के बारे में कुछ तो पता होगा, कलर नंबर कुछ तो? नहीं? चलो इस बार भी मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। वो गाड़ी तुम्हारे भाई विकास की है। हाँ वही गाड़ी जिसमें वो केटरिंग का सामान यहां से वहां ले जाता है और उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा भाई जेल जाएगा। कोर्ट में मैं ये प्रूव करूंगा कि वो बच्चा उसका था, इसीलिए उसने उसे जान से मार दिया। फिर भी अगर तुम अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो तो गो अहेड, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। अब तुम्हारी मर्जी, इसीलिए पागलपन छोड़ो। कुछ साबित नहीं कर पाओगे तुम। देविका मेरी है और उसे मैं हासिल कर ही रहूंगा। याद है तुम्हें एक बार होटल में तुमने उसे बचाया था? उस रात देविका मेरी हो जाती, लेकिन तुमने बीच में आके सारा खेल ही खराब कर दिया। आग में घी डाल दिया तूने, जैसे कोई जुनून सवार हो गया मुझ पर। अपनी बेताबी में गुना पे गुना कर डाले मैंने। सांप के पूंछ पर पैर रखोगे तो क्या करेगा सांप? डसेगा ही ना। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी, मिलेगी तुम्हें सजा, लेकिन तुम्हारे साथ साथ देविका को भी मिलेगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ तुम्हारी वजह से। कुछ देर बाद हमारी शादी हो जाएगी, फिर वो ऑफिशियली मिसेस साकेत कपूर बन जाएगी और उसके बाद मेरे मन में जो आया मैं उसके साथ करूंगा। अरे कानूनी पति हूं उसका, कुछ भी कर सकता हूं मैं। हाँ फिर वो चीखेगी चिल्लाएगी रोएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई नहीं आएगा उसकी मदद के लिए। और जब भी मैं तुम्हें याद करूंगा ना उसे और तकलीफ दूंगा, और ये भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। वैसे गलती उसकी भी है, तुमसे दोस्ती क्यों की उसने? जब मैं उसकी जिंदगी में आ गया था तुम्हें तो लात मार के बाहर भगाना चाहिए था उसे, नहीं किया उसने ऐसा, तो अब इस गलती की सजा तो उसे मिलेगी और ये भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। देविका के साथ तुम ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और क्या बचकानी बात कर रहे हो तुम, कैसे रोकोगे मुझे? बाहर इतने सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैसे ये सब क्यों कर रहे हो तुम? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? तुम्हारा भला ही चाहा हर टाइम, इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? कुछ तो वजह है, क्या वजह बताओ। चलो मैं वजह बताऊं? देविका से प्यार करते हो ना तुम? प्यार करते हो ना? अरे बोलो देविका से प्यार करते हो कि नहीं? अबे बोलना, देविका से प्यार करता ना? करता है उससे प्यार? उससे झूठ मत बोल, सब दिखाई दे रहा है मुझे। देविका से प्यार करता है कि नहीं? तू क्या हो गया, जबान नहीं है? नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता कि देविका से प्यार करता है तू? हाँ मैं उससे प्यार करता हूं और जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा मैं उससे। उसका ख्याल रखता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। उसकी जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। उसकी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं।
और जिंदगी भर मैं उससे प्यार करता रहूंगा, और कोई मुझे रोक नहीं सकता उससे प्यार करने से, कोई भी नहीं। Yes, I love her. मैं देविका से प्यार करता हूं।